वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी पिछले दो दिन से बिटकॉइन के ग्राफ आप देख रहे होंगे, बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट पर चली गई थी। 10% तक थी और 28805 तक पहुंच चुकी थी मार्केट। जो डाउन पेमेंट थी उसकी ये रेट था। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बिटकॉइन ने अब पंप होना शुरू कर दिया है और उम्मीद है ये इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पंप करेगा। कुछ कैंडल ग्रीन भी हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। इस तेज़ी को आप मुस्बत भी ले सकते हैं, मनफी भी ले सकते हैं। मैं आप लोगों को जो कहने वाला हूँ, आप इसको मनफी ही लें, इस तेज़ी को मुस्बत ना समझें और अपना पैसा बचा के रखें। इन्वेस्ट करने के लिए दिन को बहुत अच्छा मौका था, जिसके मुतालिक मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों को आगाह कर रहा था। आगाह करने का मेरा मकसद यही है कि आप जो छोटे इन्वेस्टर हैं, अपना पैसा वेस्ट ना करें। वकास का, इलन मास्क, इस तरह के फ्रॉडिये जितने भी हैं, ये दौले शाह के चूहे हैं, ये डबल छा हैं, आपके साथ डबल फ्रॉड करते हैं। ये अपना पैसा प्रॉफिट में गेन कर लेते हैं, आपको लॉस में डाल जाते हैं, जैसे डॉज कॉइन पे आप तमाम दोस्तों का हो चुका है। आप दोस्तों को आज मैं ये बताने वाला हूँ, आपने बिटकॉइन के चार्ट को देख के ही इन्वेस्ट करना है। आज तमाम कॉइन में इन्वेस्ट करने का दिन था। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट ने 28 तक आज गई है, अभी 24 या 20 तक जाएगी इंशाल्लाह। मार्केट ने ये जो डंप किया था, जो या नीचे शेयर्स गिरे हैं, जिसकी वजह से इसके मतलब बुरे हालात चल रहे थे बिटकॉइन के। अभी ताज़ा तरीन अपडेट यही है कि इसने प्लस होना, कभी प्लस, और ये उस जोन में प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ये किसी वक्त भी प्लस हो सकती है, 34 तक जा सकती है, 36 तक जा सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को इस पेमेंट पे, इस रेट पे परचेज़ करने की कभी मशवरा सलाह नहीं दूंगा। आप दोस्तों को कभी भी मैं सलाह नहीं दूंगा। आप दोस्तों के सामने मैं जो रखने वाला हूं आज BNB का चार्ट, BNB जिसके मुतालिक मैंने कहा था ये आपको 180 तक मिल जाएगी इंशाल्लाह। आज ये 211 तक गई है, पहुंची है, 225 तक आ गई है, लेकिन 180 इसका बेस्ट रेट है और इसने मज़ीद डंप करना है मेरे हिसाब से। मार्केट BNB की भी जानी है। इथेरियम, जिसके मुतालिक मैंने कहा था आपको 24 पे मिलेगी इथेरियम, 1200 पे मिलेगी। आज भी उम्मीद करता हूँ काफ़ी उसके नज़दीक गई है, 1700 तक गई है, लेकिन इसने भी गिरना है मेरे हिसाब से, इंशाल्लाह मज़ीद गिरेगी। तमाम कॉइन जो अच्छे कॉइन्स हैं, एडा के मुतालिक मैंने आपको कहा था, एडा डंप, एडा का आपके सामने चार्ट रखने वाला हूँ। एडा ने जो डंप किया है लास्ट टाइम, इसका काफ़ी ज़्यादा आज डंप हुआ है, काफ़ी अरसे बाद 4-6 महीने बाद इसका डंप हुआ है, कार्डानो एडा, जिसके मुतालिक मैंने काफ़ी दिनों से कह दिया था इसने भी डंप करना है। अभी मनफी 399 पे है, 123 पे, ये आज मेरे हिसाब से 1.01 तक गया था सुबह, अभी इसकी कैंडल ग्रीन होना शुरू हुई। तमाम दोस्त जो हमारे वीडियो देखते हैं, उनके लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप कॉइन जब भी सजेस्ट करें मुझसे रब्ता कर लिया करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर वैसे भी है, लेकिन मैसेज कमेंट में आप ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आप आज देख लें बिटकॉइन ने ट्रेड करना अभी शुरू कर दिया है। बिटकॉइन का ट्रेड है 6363, ये आज इसकी ट्रेड हो चुकी है मिलियन डॉलर में। डॉज भी अच्छे प्रॉफिट के साथ पंप करने वाला है, लेकिन मैं इसको पंप नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से इसने डंप करना है काफ़ी ज़्यादा। अभी आज इसने 20% किया तो कल मेरे हिसाब से 40% डंप करेगा बिटकॉइन। और तमाम दोस्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें, डबल छा किसी के कहने पे ना करें। आप मार्केट के मुतालिक अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताया करें, यार हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, कैसी लगी है, अच्छी है या बुरी है, आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें। आज मेरी वीडियो का मकसद भी यही था, पिछले 3 दिन से मैं कह रहा था बिटकॉइन ने डंप करना है, बिटकॉइन ने डंप करना है, उसने वाकई किया। और आज भी मैं आपको यही कहना चाहूँगा, बिटकॉइन जो डंप कर रहा है इसको पंप होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन इसने 2 झटके मज़ीद बर्दाश्त करने हैं। अभी मेरे हिसाब से 28 इसी रेट पे आपको मिल जाए तो बिटकॉइन के मुतालिक अच्छी बात है, अच्छा टाइम है ये परचेज़ करने है। तमाम दोस्त दुआओं में याद रखना,
आज की वीडियो ट्रेड सिग्नल क्रिप्टो की। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो पे आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिल जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।